राइटी का हिसाब कैपेसिटर, आज मैं आप उन कैप्चर्स के एनर्जी कैलकुलेशन, उनकी प्लेट पर फोर्स और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एट अ ग्लांस में आप देखिए, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था जिसमें दो प्लेट थी, पैरेलल प्लेट थी, इनके बीच अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल कर रखा था तो उस केस में आपने कैपेसिटी निकाली थी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये प्लेट ग्राउंड थी यहाँ पे, एंड इधर आपने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया था, इधर ये नेगेटिव और बाहर वाला पॉजिटिव, ग्राउंड था तो कोई चार्ज नहीं। इसकी कैपेसिटी आपने निकाली थी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब आपने इसको पार्टली फिल किया था, पार्टली फिल का मतलब अगर टोटल गैप कैपिटल डी है और आप उसमें एक सी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं, तो इस केस में आपको जो कैपेसिटी मिली थी, डी वाज द प्लेट सेपरेशन, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था जो टी थिकनेस में था, एंड ये ग्राउंड था, आपने इसको पॉजिटिव दिया, स्टोर हुआ तुरंत इधर बाय इंडक्शन नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, ग्राउंड है, डिसअपियर हो गया। ये पोलराइज होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमाइज कर देता था, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिनिमाइज हो गई तो नेट पोटेंशियल मिनिमाइज हो जाता था, और पोटेंशियल के मिनिमाइज होने पर कैपेसिटी और अधिक बढ़ जाती थी। तो इसकी जो कैपेसिटी आपने निकाली थी, दैट वाज द एप्साइलन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कैपेसिटी आई थी। अगर बहुत सारी प्लेट आप इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले थे, टी वन के वन, टी टू के टू, टी थ्री के थ्री, तो इसकी कैपेसिटी सी को आपने लिखा था एप्साइलन नॉट ए अपान डी, टी समेशन टी हो जाएगा, जितनी प्लेट है सबका टी ऐड कर लीजिए, प्लस टी वन बाई के वन, टी टू बाई के टू, यानी सारी प्लेट का टी बाई के, टी बाई के, टी बाई के निकाल के ऐड कर लीजिए, समेशन टी बाई के, ये आया था कैपेसिटी। फिर आपने तीसरा निकाला था स्फेरिकल कैप्चर का। स्फेरिकल कैप्चर में आपके पास एक लो रेडियस स्फेरिकल सेल थी, एक थोड़ी बिग रेडियस स्फेरिकल सेल थी हैविंग द कॉमन सेंटर। आपने लो रेडियस वाली स्फेरिकल सेल पर चार्ज का स्टोरेज किया था तुरंत बाय इंडक्शन, यहाँ माइनस बाहर प्लस, बाहर वाला ग्राउंड है, और इस प्रोसेस में आपने इसकी कैपेसिटी निकाली थी, तो ये कैपेसिटी मिली थी आपको 4 पाई एप्साइलन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए, ये आपको मिली थी इसकी कैपेसिटी। और लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था अर्थ एज अ कैप्चर या आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि रियल में एक कैप्चर नहीं है लेकिन इसके पास सरफेस है, और सरफेस की वजह से ये कुछ चार्ज को स्टोर कर ही लेगा। तो अर्थ के लिए भी ये अप्लाई होता है कि अर्थ के पास दूसरी प्लेट तो नहीं है लेकिन अर्थ के पास सरफेस है, उस सरफेस की वजह से ये चार्ज स्टोर कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली अगर कैपिटल आर रेडियस का ये है और इसके सरफेस की वजह से चार्ज स्टोरेज का अमाउंट क्यू है, तो इसकी कैपेसिटी हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी 4 पाई एप्साइलन नॉट आर, यहाँ तक का डिस्कशन हम लोगों ने दिया था। हमने कहा था अगर अर्थ के लिए इसको चेक करेंगे तो अर्थ के लिए आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है, एंड 4 पाई एप्साइलन नॉट को आप लिख ही सकते हैं 1/9 × 10⁻¹। तो अगर इसको सॉल्व करें तो अर्थ की कैपेसिटी आती है 7 11.14 माइक्रो फैरेड, जो कि काफी ज्यादा है। अर्थ एक बहुत अच्छा कैप्चर है। अर्थ स्पेस में जितने भी चार्ज अवेलेबल होते हैं, स्पार्किंग होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जितनी क्रिएट होती है, सब अर्थ बाईपास कर लेती है कंडक्शन के थ्रू, और उसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि चार्ज को स्टोर करने के बावजूद उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ता, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ जाता तो फिर हमें जर्क लगता। तो इसका मतलब ये है कि क्या जो अर्थ है वो अपने सरफेस एरिया की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकती है विदाउट गोइंग इट्स ओन पोटेंशियल, जिसकी वजह से हमें कोई जर्क नहीं लगता और हम सेफ रहते हैं। यहाँ तक का डिस्कशन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया था। आज में देखिए आप
एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर की बात करें तो या कंडक्टर की बात करें तो इसके पास कितनी एनर्जी है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। अगर हम एक कंडक्टर ले लेते, हम कैपेसिटर भी ले सकते थे और इसको क्यू चार्ज देते अप टू वी पोटेंशियल तक ये ग्रो कर जाता पोटेंशियल में, एंड इट्स कैपेसिटी इज सी, चाहे कोई कैपेसिटर हो चाहे कंडक्टर हो, कैपेसिटर होगा तो मैक्सिमम अमाउंट में चार्ज स्टोर करेगा और कंडक्टर होगा तो मिनिमम अमाउंट में चार्ज स्टोर करेगा। तो है तो एक कंडक्टर ही है, तो एक कैपेसिटर ही ना, लो वैल्यू से चार्ज हो गया, तो जो भी चार्ज ये रख रहा है उस चार्ज के लिए आपके पास क्यू है, वी है और सी है, तो यहाँ से आपके पास वी आ जाएगा, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अगर आप चाहते हैं डीक्यू चार्ज और दे दें तो आपको वर्क करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, आपको पता है वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैट होता है, कितना चार्ज आने वाला है और किस पोटेंशियल पर आने वाला है, चार्ज कमिंग मल्टीप्लाइड इन पोटेंशियल, चार्ज कमिंग दैट इज डी क्यू मल्टीप्लाइड इन पोटेंशियल दैट इज वी, डी क्यू इंटू वी, ये हो जाएगा वर्क डन टू स्टोर द चार्ज। तो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इंटीग्रल डी डब्ल्यू इंटीग्रल डी क्यू इंटू वी, नेट वर्क डन टू स्टोर द चार्ज इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो भी आप वर्क करते हैं अगेंस्ट द पोटेंशियल टू पुट द चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। यू से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा नाउ वी क्यू बाई सी से ओपन हो जाएगा, क्यू बाई सी ये है डी क्यू, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, फाइनली अगर कैपिटल क्यू चार्ज आप स्टोर कर पाए तो लिमिट हो जाएगी जीरो टू क्यू। नाउ सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल क्यू डी क्यू दैट इज द क्यू स्क्वायर बाई टू, यानी वन अपॉन सी बाहर है एंड दिस इज क्यू स्क्वायर बाई टू, क्यू स्क्वायर बाई टू लिमिट है जीरो टू क्यू। अकॉर्डिंगली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यानी अगर आपने क्यू चार्ज स्टोर कर दिया ओवर द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, जूल में आएगा ये। नाउ क्यू को ओपन कर सकते हैं सी इंटू वी से, क्यू को ओपन कर सकते हैं सी इंटू वी से, यहां से देखिए क्यू डायमेंशनली ओपन हो जाएगा सीवी से, अगर क्यू को सीवी से रिप्लेस कर देते तो आपके पास इक्वेशन हो जाता सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान टू सी, दस एक सी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जा रहा है यू इज इक्वल टू हाफ सीवी स्क्वायर, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इसी से लगाए जाते हैं हाफ सीवी स्क्वायर से, हाफ एम वी स्क्वायर जाता है, मास की जगह कैपेसिटी है, वेलोसिटी की जगह पोटेंशियल है। तो अगर एक कैपेसिटर है आप कैपेसिटी सी चार्ज अप टू द पोटेंशियल वी तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, ये हो जाएगा जूल। तो दो इक्वेशन आपको मिला क्यू स्क्वायर बाई टू सी एंड हाफ सी वी स्क्वायर, तीसरा और चौथा फॉर्मेट भी है, तो तीसरा और चौथा फॉर्मेट देखिए क्या है, इसी में अगर C को रिप्लेस कर दे Q बाई वी से तो भाई C तो ओपन हो जाएगा ना, यहाँ से देखिए C ओपन हो जाएगा Q बाई वी से, तो यहाँ हमारे पास U इज इक्वल टू हाफ C खुल जाएगा Q बाई वी से एंड इज द V स्क्वायर, एक V कैंसिल हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू वी। अगर आपने किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज दिया है एंड दैट कंडक्टर एक्वायर्स अ पोटेंशियल ऑफ वैल्यू V, देन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द हाफ Q इंटू वी, ये आ गया जूल में। तो तीन आपको रिलेशन मिल चुका है, Q स्क्वायर बाई टू सी इससे भी एनर्जी निकलेगा चार्ज और कैपेसिटी के टर्म में, कैपेसिटर और पोटेंशियल के टर्म में,
एंड चार्ज एंड पोटेंशियल के टर्म में। अभी मैं कहता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपके पास कैपेसिटी का बेसिक क्वेश्चन आ जाता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के भी ले सकते हैं, के मतलब डायलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये कैपेसिटी हो जाती है, और जो प्लेट्स होते हैं पैरेलल प्लेट उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है E इक्वल टू वी बाई डी, यहाँ से V निकाल लीजिए, इज इक्वल टू E इंटू डी। पोटेंशियल आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, आपको कैपेसिटी पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की। अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर में वापस आए और डेटा पुट करें तो चार्ज और पोटेंशियल और कैपेसिटी से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के टर्म में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मीन्स हम कह रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पा ली है, कई फॉर्मेट में है तो उन सभी फॉर्मेट पे कमांड कर रहा है, दिस इज द मेन फॉर्मेट, कि किसी एक कैप्चर का डेटा पकड़िए और उस डेटा को लाके हाफ सीरीज कर में रखिए, फाइनल आंसर सबका सेम आना है, सबसे आसान पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। तो अगर हम कहते फ्रॉम यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास आ जाता U इज इक्वल टू हाफ सी, सी की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और V, V की जगह आ जाएगा E इंटू डी, ये हो जाएगा E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक D यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक D यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस आपको मिलेगा U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लेट एरिया इंटू प्लेट सेपरेशन, दैट इज ए इंटू डी, एक जगह कर लीजिए ध्यान से देखिए, तो ए इंटू डी क्या है, प्लेट इस तरीके से थी, अब बीच में ये गैप था, अगर प्लेट एरिया इंटू डी करेंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बिटवीन द कैप्चर प्लेट पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, देख रहे हैं एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जितना बड़ा कैप्चर होगा उसका कन्फाइन वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर कन्फाइन वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा डायलेक्ट्रिक को पोलराइज कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा पोलराइज कर पाएगा मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगी, इसीलिए जो मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, कार की बैटरी है, आप उनका साइज अलग अलग देखते हैं, उसका रीजन यही है कि साइज अलग अलग मतलब वॉल्यूम अलग अलग, वॉल्यूम अलग अलग मतलब एनर्जी अलग अलग, घर के इन्वर्टर की बैटरी काफी बड़ी है, दिस इज बिकॉज उसको ज्यादा पावर देना है, कार की बैटरी या बाइक की बैटरी थोड़ी छोटी है, अब मोबाइल की बैटरी और थोड़ी छोटी है, और थोड़ी छोटी इसलिए है क्योंकि इसको लो पावर देना है, अब मोबाइल की बैटरी उठा के घर के लोड में डाल दें तो घर का लोड कहाँ उठा पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम ही नहीं ज्यादा है, पोपट लाल है, तो पोपट लाल है तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो एसोसिएट एनर्जी भी कम हो गई। तो यहां अगर हम ए इंटू डी को वॉल्यूम लिख लें, इधर फेंकें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इसको एनर्जी डेंसिटी U बार कहते हैं, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये जूल पर मीटर क्यूब हो गया, यानी जो कैप्चर है उसके पर मीटर क्यूब में, या जो बैटरी है उसके पर मीटर क्यूब में जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर डायमेंशनली चेक करें तो जूल पर मीटर क्यूब जो होता है ये प्रेशर का डायमेंशन है, यानी एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर डायमेंशन में सेम होते हैं, तो एक बेनिफिट मिल जा रहा है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, यानी अगर आपसे प्रेशर पूछा जाए कि हाउ मच ऑफ प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय चार्ज, चार्ज एक्सर्ट प्रेशर, चार्ज प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस सरफेस पे मूव करते हैं उस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कितना, तो बिना डेरिवेशन के हमें मिल रहा है डायमेंशनली, क्योंकि डेराइव करेंगे तो भी यही आएगा, IIT का पार्ट है, आप जान लीजिए एक नंबर दो नंबर CBSE में पूछा हुआ है एंड ऑल्सो इन IIT बोर्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हम ये कहके लिख लेते हैं कि डायमेंशनली एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेशर
इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी इज द हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये तो आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, ये चले गया पास्कल में, पास्कल एमपीएस यूनिट पास्कल होती है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ये फॉर्मेट आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर जो फॉर्मेट है उसमें चलते हैं। कैप्सूल की दो प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माना एयर फील्ड है। अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां वहां के भी बढ़ा दीजिएगा, यानी के एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता है तो के वन से हट जाता है, डाइलेक्ट्रिक रहता है तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट दिखेगा वहां वहां के बढ़ा दीजिएगा। तो अगर ई की वैल्यू रख जाए तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेशर पी, आपको मिल गया इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको फार्मूला दिया गया है, इस फॉर्मेट में न्यूमेरिकल सॉल्व है। अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज द प्रेशर इन बिटवीन द कैप्सूल प्लेट और प्रेशर एग्जर्टेड बाय द चार्ज, प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया से ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फोर्स बिटवीन द प्लेट। कैप्सूल की एक प्लेट पॉजिटिव होती है और कैप्सूल की एक प्लेट निगेटिव होती है, आपको क्या लगता है दोनों को एट सम डिस्टेंस पर बिना एफर्ट के मेंटेन कर देंगे क्या, या उनके बीच में आपको जो भी मटेरियल भरना है क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा क्या? होता यह है कि जब कैप्सूल की एक प्लेट पॉजिटिव होने लगती है और दूसरी नेगेटिव, आउटर तो ग्राउंड है, तो इनके बीच में एक कुलाम्बियन अट्रैक्शन क्रिएट होता है, माइनस वाली प्लेट प्लस वाले प्लेट की तरफ खींच रही है एंड प्लस वाली माइनस वाले की तरफ, बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो प्रेस हो जाएगा। कभी सुनेंगे या सुना होगा कि बैटरियां ब्लास्ट कर जाती हैं, मोबाइल की बैटरी भी ब्लास्ट करती है, क्यों ब्लास्ट करती है? अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव सफिशियंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और बीच का मटेरियल कोलैप्स हो जाए तो ब्लास्ट कर जाएगा। दैट इज जिस प्रेशर से ब्लास्ट करेगा या जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर, वो फोर्स आप निकाल रहे हैं, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो चार्जेस होते हैं वो इतना फोर्स एग्जर्ट करते हैं ओवर दी एदर, यहाँ ए एरिया की बात है तो हमने फोर्स पर यूनिट एरिया कह लीजिए या फोर्स ऑन टोटल एरिया कह लीजिए, ये न्यूटन में आ गया। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर ले गए कि जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के स्टोर की उन चार्जेस के स्टोर की एनर्जी कितनी है, और वो चार्ज जब स्टोर होते हैं तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वो प्रेशर कितना है, और वो प्रेशर फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वो फोर्स कितना है। तो इस तरीके से आपके पास चार्जेस की एनर्जी, प्रेशर और फोर्स का कैलकुलेशन हो गया। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी या फोर्स हम वापस कैसे लें इनसे, ये जो चार्जेस इकट्ठे हो गए, ये चार्जेस जब हम एक डेफिनेट रेट से वापस लेंगे तो हमें बदले में पावर बैकअप मिलेगा। उस पावर बैकअप को हम सर्च करते हैं अंडर द रूल कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हमारा अगला टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या है, आप ऐसे समझिए कि जब तक लाइट है आप इन्वर्टर को चार्ज कर रहे हैं या पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं या मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। और जब आपको नीड हो रही है या लाइट नहीं है तो आप वापस चार्ज उससे ले रहे हैं, इस रूल के थ्रू चार्ज ले रहे हैं, जैसे इन्वर्टर से फैन को जोड़ दिए तो लाइट चली गई तो फैन इन्वर्टर से चल रहा है,
और अगर लाइट है तो वो लाइट फैन को भी करंट दे रहा है, वो लाइट इन्वर्टर को भी करंट दे रहा है, तो जब तक लाइट है तब तक इन्वर्टर चार्ज होगा और जो फैन का बैकअप है वो लाइट से होगा, और लाइट जाते ही ऑटोमेटिकली जो फैन है वो इन्वर्टर से बैकअप ले लेगा। उसको कैसे पता है किससे बैकअप लेना है, और उसको कैसे पता है कि अगर लाइट है तो हमें लाइट से बैकअप लेना है और लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से बैकअप लेना है, यानी हु डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज, कौन डिसाइड करेगा फ्लो ऑफ चार्ज का। इसके लिए आपके बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, और वो एग्जाम्पल है दो कंटेनर लीजिए अलग अलग, और दो कंटेनर में अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग कर लीजिए, हाइट ऑफ वाटर अलग अलग कर लीजिए, और अभी दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप दोनों कंटेनरों को जोड़ते हैं तो देखते हैं वाटर का फ्लो कभी इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होता कि किसमें पानी ज्यादा है किसमें पानी कम है, बट सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट होता है कि लेवल ऑफ द वाटर किसमें हाई था, यानी अगर पानी कम है लेकिन लेवल ज्यादा है तो वो वाटर का फ्लो डिसाइड करेगा। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग कंटेनर है, दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग है, एक में ज्यादा एक में कम, तो वाटर का फ्लो अमाउंट ऑफ वाटर डिसाइड नहीं करता है किसमें पानी ज्यादा है किसमें पानी कम है। अमाउंट ऑफ फ्लो, सॉरी, फ्लो ऑफ वाटर जो है वो डिसाइड करता है लेवल ऑफ द वाटर। जो हाई लेवल पर होगा वो चार्ज का को फ्लो करेगा, जो लो लेवल पर होगा वो वाटर का फ्लो जो है वो एक्सेप्ट करेगा। मतलब वाटर का फ्लो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल की तरफ होता है। इन अ सेम वे चार्ज के लिए भी यही रूल है, चार्ज का लेवल पोटेंशियल से डिसाइड होता है। इससे नहीं मतलब है किसके पास चार्ज ज्यादा है किसके पास चार्ज कम है, मतलब ये पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसकी एबिलिटी ऑफ वर्क ज्यादा है, जिसका एबिलिटी ऑफ वर्क ज्यादा है। जैसे छोटे गोले पर, जितने छोटे गोले पर मोर एंड मोर चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, अब बड़े गोले पर ज्यादा चार्ज भी दे देंगे तो पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। क्या मतलब है? मतलब है चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर डिसाइड होता है। तो अगर चार्ज का पोटेंशियल, चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर डिसाइड होता है तो कितना चार्ज फ्लो करेगा और अप टू व्हाट पोटेंशियल, किस पोटेंशियल तक चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा, यही सारी चीजें हम पढ़ते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज में। अगर हम दो कंडक्टर ले लेते, एक सीवन कैपेसिटी का है, हो सकता है एक इन्वर्टर हो एक फैन हो सकता है एक पावर बैंक हो एक मोबाइल हो, मतलब हमारे पास दो कंडक्टर है, कैपेसिटी है सीवन सी टू, चार्ज स्टोरेज है सीवन क्यू टू। अब जैसे इन्वर्टर और फैन की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर है फैन है, तो फैन है तो कैपेसिटी जो होगी वो तो होगी फैन की, लेकिन उसका स्टोरेज चार्ज जीरो हो जाएगा, स्टोर चार्ज जीरो हो जाएगा। इन्वर्टर है तो उसकी कैपेसिटी होगी और उसका एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। अब इसका पोटेंशियल कितना, अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो आपके पास आ गया कि एक डिवाइस पर तीन पैरामीटर हैं, कैपेसिटर चार्ज एंड पोटेंशियल, दूसरे डिवाइस के पास तीन पैरामीटर हैं, ये तीनों पैरामीटर इंटर रिलेट हो जाएंगे Q इक्वल टू CV से। देखिए ये हो गया, इधर हो जाएगा क्यू टू इज इक्वल टू C2V2, ये भी लेकर आ गया। अब मान लेते हैं इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये इनको चार्ज दे रहा है या ये उनको चार्ज दे रहा है, बस हमें ये पता है कि इससे अगर चार्ज फ्लो नहीं भी फ्लो रहा होगा तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। हमने इनको, चलिए पहले तो ये कनेक्ट नहीं थे, नॉट कनेक्टेड, सेपरेटली हमने दोनों को देखा, एक इन्वर्टर समझ लीजिए एक फैन समझ लीजिए या एक पावर बैंक समझ लीजिए और एक मोबाइल समझ लीजिए। तो पावर बैंक की अगर बात करें तो C1 इक्वल टू C1V1 रिलेशन आ गया उसके लिए, और अगर हम इधर मोबाइल की बात करें तो उससे रिलेशन आ गया। अब चलिए दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहा है, जैसे ही दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहा है चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो रहा है। अब ये नहीं पता किसने किसको चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, ये तो हमको कैलकुलेट करना है। तो अभी जब दोनों को कनेक्ट कर दिए तो कैपेसिटी थोड़े ना बदलेगी, कैपेसिटी तो जो पहले थी वही रहेगी। चार्ज Q1 या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा, या तो लिया होगा या दिया होगा, ठीक है, तो Q1 डैश यानी ढूंढना है हमें, चार्ज लिया होगा या दिया होगा, Q2 डैश हो गया, और ऐसा तब तक हुआ होगा जब तक कि ये कॉमन पोटेंशियल पर ना आ जा है। मतलब चार्ज का फ्लो तब तक हुआ जब तक कि दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए, और जैसे ही दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। यानी चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। हाँ बोलिए सर, वॉइस बहुत वो कर रहा, आवाज सही से नहीं आ रहा है सर, तो बहुत अजीब सा आ रहा है। वॉइस
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है सर? यस सर। यस सर, अभी क्लियर है? हेलो यस सर। यस चलिए ठीक, तो हम ये कह रहे थे सर, वीडियो पॉज है। नहीं, रिकॉर्डिंग है, ऑन है। हेलो, क्लियर दिख रहा है? हेलो हेलो, पॉज सर, वीडियो पॉज है आपका, नेटवर्क नेटवर्क इशू। हेलो, अभी देखो, हेलो उधर का साउंड इधर आ रहा है? वीडियो रेगुलर है, पॉज तो नहीं दिखा रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन है, वीडियो रनिंग है, माइक रनिंग है। हेलो हमारे पास जो रूल है फ्लो ऑफ चार्ज का, वो रूल ये है कि चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल को मोबाइल चार्जर के थ्रू जोड़ देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं लाइट को, तो जब आप मोबाइल चार्जर से चार्जर को जोड़ते हैं, मोबाइल चार्जर से मोबाइल को जोड़ते हैं, तो चार्जर तो सोर्स से जुड़ गया, तो चार्जर का पोटेंशियल सोर्स के पोटेंशियल पर हो गया हाई पोटेंशियल, और मोबाइल डिस्चार्ज है लो पोटेंशियल हो गया। अब जैसे ही जो चार्जर है वो हाई पोटेंशियल और मोबाइल लो पोटेंशियल कनेक्ट हुए, अभी क्या हुआ कि चार्जर टू मोबाइल चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया। ये तब तक होता रहा जब तक कि मोबाइल में चार्ज बढ़ते 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 उसका खुद का पोटेंशियल चार्जर के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए, और जैसे ही मोबाइल का पोटेंशियल चार्जर के पोटेंशियल के बराबर हुआ, चार्ज का फ्लो ऑटोमेटिकली रुक गया। इसी तरह इन्वर्टर में है, इन्वर्टर अगर डिस्चार्ज है और आपने उसको लाइट सोर्स से जोड़ रखा है, तो लाइट सोर्स इज एट हायर पोटेंशियल, तो लाइट सोर्स इज प्रोवाइडिंग द चार्ज टू द इन्वर्टर, इन्वर्टर इज नॉट प्रोवाइडिंग द चार्ज टू द लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स हाई पोटेंशियल पर है तो वो इन्वर्टर को चार्ज कर रहा है, और जब इन्वर्टर चार्ज होते 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 उसका पोटेंशियल लाइट सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जा रहा है जहां से वो पावर ले रहा था, तो पोटेंशियल बराबर होते ही चार्ज का फ्लो रुक जा रहा है। यानी एक ऑटोमेटेड सेल है, एक ऑटोमेटेड स्विच है, जिसमें जब दो ऑब्जेक्ट सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो उनके बीच चार्ज का फ्लो रुक जाता है। इसी बेसिस पर आप मोबाइल चार्ज करते हैं, इसी बेसिस पर आप इन्वर्टर चार्ज करते हैं।
तो यहाँ हम कह रहे थे कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो फाइनल पोटेंशियल क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन कितना है। तो हमने कहा दो कंडक्टर ले लीजिए, एक पावर बैंक ले लीजिए, एक मोबाइल ले लीजिए, या एक इन्वर्टर ले लीजिए, एक फैन ले लीजिए। तो एक के पास पैरामीटर क्या है, कैपेसिटी है, चार्ज है, पोटेंशियल है। इसी तरह दूसरे के पास अपना पैरामीटर है, चार्ज है, कैपेसिटी है एंड पोटेंशियल है। यहाँ इनके लिए रिलेशन आ जाएगा Q1 = C1V1, इनके रिलेशन आ जाएगा Q2 = C2V2। ये बिफोर कनेक्शन था, अभी हमने इनको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया तो मुझे नहीं पता कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है, लेकिन इतनी गारंटी है कि चार्ज का फ्लो जब हुआ होगा तो Q1 या तो बढ़ के या घट के Q1 हो गया होगा, और Q2 बढ़ के या घट के Q2 हो गया। यही तो सर्च करना है कि चार्ज घटा है, बढ़ा है, किधर से किधर चार्ज फ्लो हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो से आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन Q1 चेंजेस टू Q1 एंड Q2 चेंजेस टू Q2 और ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों एक कॉमन पोटेंशियल V ना एक्वायर कर लें। यानी कि आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी देर तक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये थोड़ी देर का मतलब घंटों, महीनों या सालों तक हो सकता है। तो अगर पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जा रहा है तो अभी चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अब अगर रुक गया तो इनका रिलेशन हो जाएगा Q1 = C1V, यहां हो जाएगा Q2 = C2V। दोनों का रेशियो ले लीजिए, ये हो जाएगा Q1 = Q2 = C1V / C2V। वी और वी कैंसिल हो गया, दोनों तरफ +1 और +1 ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी क्लियर कर देंगे, बट डेरिवेशन में आपको चाहिए Q1 / Q2 + C1 / C2 + 1। ये हो जाएगा Q1 + Q2 = C1 + C2 / C2। रिवर्स कर दीजिए। अच्छा, ये हो गया नेट चार्ज, ये हो गया नेट कैपेसिटी, इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो Q2 / net charge = C2 / net capacity। देखिए रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन कंडक्टर 2 निकल गया, यहाँ से Q2 निकल जा रहा है, Q2 = C2 / C1 + C2 ऑफ नेट चार्ज। बड़ी सिंपल सी बात है, एक की कैपेसिटी C1 है, एक की कैपेसिटी C2 है, इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है। अगर दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो इसके पास जो फाइनल चार्ज होगा, फाइनल चार्ज, अब हमें नहीं पता वो बढ़ा या घटा है, या तो इसने चार्ज दे दिया होगा या चार्ज ले लिया होगा। ये तो मान लेते हैं फाइनल चार्ज, हम बोलते हैं C2 पर Q2 है, और जब Q2 कैलकुलेट करेंगे और Q2 > Q2 आएगा तो Q2 > Q2 आने का मतलब होगा चार्ज बढ़ा है। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, पता चल जाएगा कितना चार्ज बढ़ा है। तो अभी हम ये तो नहीं बता रहे कि बढ़ा है कि घटा है, लेकिन ये जान सकते हैं कि नया चार्ज कितना हो गया है। तो Q2 क्या आ रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद C2 पर चार्ज आ रहा है, C2 / C1 + C2 ऑफ नेट चार्ज। इसी तरह अगर आप C1 पर, कंडक्टर 1 पर रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जानना चाहते हैं तो हो जाएगा C1 / C1 + C2 ऑफ नेट चार्ज। ये तो सिंपल आ गया। याद कीजिए ए बी और सी तीन लेबर थे, एम मनी कमाकर आते थे, तो ए को मिलने वाला हिस्सा होता था A/A + B + C ऑफ टोटल मनी। याद आया, बी को मिलने वाला प्रपोर्शन होता था B/A + B + C ऑफ टोटल मनी, सी को मिलने वाला प्रपोर्शन होता था C/A + B + C ऑफ टोटल मनी। C1 C2 के पास चार्जेस है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, C2 के पास फाइनल चार्ज हो जाएगा C2/C1 + C2 ऑफ टोटल चार्ज। C1 के पास फाइनल चार्ज हो जाएगा C1/C1 + C2 ऑफ टोटल चार्ज। हालांकि आपके सिलेबस में ये डेराइव नहीं किया गया है, डायरेक्ट बताया गया है, लेकिन ऐसा कोई कठिन नहीं था। +1 + +1 दोनों तरफ ऐड कर लेना था तो आपको पता चल जाता कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज कितना। अब मान लेते हैं आपने जान लिया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले इसके पास Q1 था और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके पास Q1 हो गया। अगर Q1 आपने निकाल लिया तो देख लीजिए Q1 > Q1 है या Q1 > Q1 है। अगर ग्रेटर है तो मतलब चार्ज आया है, अगर लेसर है तो मतलब चार्ज दिया है।
दोनों का डिफरेंस ले लेते तो आपको पता चल जाता कि कितना चार्ज लिया या दिया है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पहले हमने चेक किया तो दिखा रहा था 75 माइक्रो कूलम्ब है, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैलकुलेट किए तो दिखा रहा है 100 माइक्रो कूलम्ब है। क्या आप बता नहीं सकते क्या कि चार्ज आया है कि गया है? अरे 75 माइक्रो कूलम्ब से बढ़ के 100 माइक्रो कूलम्ब हो गया, इसका मतलब है 25 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज आया है। इसका मतलब है आपको पहले का चार्ज तो पता ही था, रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट आप चार्ज भी आप निकालने लग गए। रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट अगर आपने निकाला तो आपको पता चल जाएगा कि चार्ज आया है कि गया है। इसका मतलब है कि यहाँ हमने जो एग्जांपल लिया इसके हिसाब से 25 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज आया है, मतलब कंडक्टर टू ने कंडक्टर वन को 25 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज दिया है। तो हमने पहला पार्ट निकाला कि दो बॉडी को जब इंटरकनेक्ट करते हैं तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन होने में जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू C1 पर। अगर जानना चाहते हैं तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 आप नेट चार्ज, और अगर कंडक्टर 2 पर आप निकालना चाहते हैं तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 आप नेट चार्ज। तो आपने रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज निकाल लिया, कितना चार्ज आया और गया ये भी आपको यहाँ से पता चल जा रहा है। उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या जिस पोटेंशियल तक चार्ज का फ्लो हुआ होगा, देखिए कैसे निकलेगा, कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल इज पोटेंशियल अप टू विच रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। कॉमन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जब तक चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जब पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाता है तो चार्ज का फ्लो रुक जाता है। अगर ऐसा है तो आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लीजिए, यानी दूसरा डेरिवेशन इसका। कॉमन पोटेंशियल होता है नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटी। नेट चार्ज क्या C1 प्लस नेट चार्ज क्या Q1 प्लस Q2। सर ब्लू से ही लिखिए, ब्लू से ब्लैक से लिखता है, ब्लू वाला ज्यादा दिखता है। अरे ये जे कौन है भाई? अच्छा दया जे, वो भी पिंक कलर में। गुड, वेरी गुड सर, साइन किए तब आया है। अच्छा, V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान कैपेसिटी हो जाएगा, नेट चार्ज अपान नेट कैपेसिटी। कंडक्टर वन पर चार्ज था C1, कंडक्टर टू पर है Q2, और कैपेसिटी एक की C1 एक की C2, तो नेट कैपेसिटी हो जाएगा C1 प्लस C2। Q1 को ओपन कर सकते हैं C1 V1, कैपेसिटर वन वाज एट अ पोटेंशियल V1, तो प्रोसेसिंग द चार्ज Q1 कैन बी रिटन एज C1 V1 एंड Q2 कैन बी ओपन बाई C2 V2। मीन्स द कॉमन पोटेंशियल अप टू विच द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल जब तक चार्ज का बंटवारा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता मेरे पास एक पावर बैंक है, और ये पावर बैंक मैं कहता 15 वोल्ट का है, और मैं कहता मेरे पास मोबाइल है वो 3.5 वोल्ट का है, मैं कहता इसके पास 70, मैं कहता इसकी कैपेसिटी जो है वो 50 माइक्रो फैरेड है, और मैं कहता इसकी कैपेसिटी 20 माइक्रो फैरेड है। मैं कहता दिस इज द पावर बैंक, ये न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा, और मैं कहता दिस इज मोबाइल, और मैं कहता कनेक्ट द पावर बैंक टू द मोबाइल। तो पावर बैंक टू द मोबाइल हमने कनेक्ट कर दिया, देख लीजिए पावर बैंक हाई पोटेंशियल पर है, मोबाइल लो पोटेंशियल पर, कभी मोबाइल 15 वोल्ट का नहीं मिलेगा। अगर मोबाइल 15 वोल्ट का होगा तो पावर बैंक ग्रेटर देन 15 वोल्ट आपको लेना पड़ेगा। जो चार्जिंग बॉडी होगी, जो चार्ज देना है जिसके, वो हमेशा हायर पोटेंशियल की होनी चाहिए। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पावर बैंक डिस्चार्ज हो गया हो और 2 वोल्ट पर आ गया हो, और मोबाइल आपका फुल्ली चार्ज हो 3.5 वोल्ट पर, तो पता चला कि आप मोबाइल और पावर बैंक को जोड़े तो उल्टा पावर बैंक वह चार्ज हो रहा है, मोबाइल वह डिस्चार्ज हो रहा है। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो गया। तो ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि पावर बैंक उतना डीप डिस्चार्ज होगा ही नहीं, फिर भी चांस है क्योंकि पोटेंशियल स्विच की तरह काम कर रहा है और पोटेंशियल ही डिसाइड करता है चार्ज का फ्लो। तो मान लेते हैं मैं कहता पावर बैंक से हम मोबाइल को जोड़ रहे हैं, अब बताइए कॉमन पोटेंशियल कितना पोटेंशियल कॉमन होगा जब तक चार्ज का फ्लो मेंटेन होगा। तो कॉमन पोटेंशियल आपके पास क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि आप वो पोटेंशियल जान सकते हैं जब तक पावर बैंक मोबाइल को चार्ज सप्लाई करेगा। अगर पावर बैंक का पोटेंशियल इस कॉमन पोटेंशियल से नीचे चला गया
तो ये फिर चार्ज देने के बजाय लेना शुरू कर देगा। यानी हम आपको डेटा दे रहे हैं कि पावर बैंक से मोबाइल कनेक्ट करना है, पावर बैंक का डेटा है 15 वोल्ट 50 माइक्रोफैरड, मोबाइल का डेटा है 3.5 वोल्ट 20 माइक्रोफैरड। हम कह रहे हैं पावर बैंक अप टू कितने पोटेंशियल तक मोबाइल को चार्ज दे पाएगा, तो पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल आपके पास है C1V1, तो दिस इनटू दिस 750 माइक्रो प्लस दिस इनटू दिस 35 × 70 माइक्रो अपान C1 प्लस C2 50 + 20 दैट इज 70 माइक्रो हो जाएगा वोल्ट। नाउ माइक्रो और माइक्रो कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 820, देख लीजिएगा 750 + 50 820 अपान 70 वोल्ट इज इक्वल टू ये, और ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा आपके पास 1 जा, ये हो जाएगा 1 जा और ये हो जाएगा 7 जा, 11.7 वोल्ट। यानी कि 15 वोल्ट का पावर बैंक जब डिस्चार्ज होके 11.7 वोल्ट तक पहुंचेगा तो चार्ज की सप्लाई रुक जाएगी। चार्ज की सप्लाई रुकने का मतलब ये है कि ये वो पोटेंशियल है जब तक पावर बैंक मोबाइल को चार्ज दे पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कितना चार्ज देगा तो आप यहाँ निकाल लीजिए पहले कितना चार्ज है, Q = CV से निकल जाएगा यहाँ पे, इसके पास अभी कितना चार्ज है। तो अगर वोल्टेज V है, कैपेसिटी C है, तो इसके पास अभी चार्ज निकल जाएगा CV से, तो C × V अगर करेंगे तो अभी आपको चार्ज पता चल गया 750 माइक्रो कूलम। चलिए मान लेते हैं कि ये कॉमन पोटेंशियल तक चार्ज देता रहा, तो कितना चार्ज दिया है कैसे पता चलेगा, फाइनल चार्ज निकालिए Q1 कितना चार्ज दिया, ये तो नहीं निकलता है, लेकिन चार्ज देने के बाद या चार्ज लेने के बाद फाइनल चार्ज का कैलकुलेशन तो आता है आपको, यानी Q1 निकालिए। Q1 का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पावर बैंक के पास चार्ज, क्या था फार्मूला, C1 upon C1 + C2 आपने चार्ज, C1 50 माइक्रो upon C1 + C2 70 माइक्रो into नेट चार्ज। अच्छा तो नेट चार्ज के लिए तो इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका हो जाएगा 35 × 70 और 70 और 50, अरे एक मिनट गड़बड़ कर दिए क्या, नहीं ठीक है, ये था ना Q1 था C1 upon C1 + C2 आप नेट चार्ज निकाल लीजिए, है ना सर, नेट चार्ज अपान नेट कैपेसिटी, यही है नेट चार्ज। अरे नेट चार्ज मतलब दिस इनटू दिस किए थे तो ये मिला था, और दिस इनटू दिस करेंगे तो ये मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा 820 माइक्रो कूलम, यानी नेट चार्ज हो जाएगा 820 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, और 7 7 जा यानी 0.7 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 7 × 14 = 4 आया, और 7 × 8 = 56 57 574 माइक्रो कूलम। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले कितना था 750 माइक्रो कूलम, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना हो गया 570 माइक्रो कूलम। लिया है कि दिया है कोई बताएगा, चार्ज लिया है पावर बैंक की, चार्ज दिया है, हेलो दिया है, हाँ दिया है ना, क्योंकि देखिए पहले 750 माइक्रो कूलम था, अभी 574 माइक्रो कूलम है, इसका मतलब है पावर बैंक इज प्रोवाइडिंग द चार्ज टू द मोबाइल, टोटल चार्ज विच कैन इट गिव। हमने टाइम की बात नहीं की, हमने कहा कि कॉमन पोटेंशियल होने तक चार्ज चलता रहा, कितना टोटल चार्ज चला ये पता चल जाएगा, पहले था 750 और अभी है 574, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 176 माइक्रो कूलम। इसका मतलब है जो पावर बैंक का डेटा और मोबाइल का डेटा हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली पावर बैंक मोबाइल को अप टू 11.7 वोल्ट तक
यानी 15 वोल्ट से गिर के 11.7 वोल्ट तक जाएगा, तब तक चार्ज का फ्लो मेंटेन रखेगा और जो टोटल अमाउंट का चार्ज फ्लोन होगा वो 176 माइक्रो कूलम का होगा। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि जब एक बॉडी को, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से हम ज्वाइन करते हैं, कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर नहीं है, दे आर चार्ज अप टू हाई पोटेंशियल, तो इन दो बॉडी के बीच जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके पोटेंशियल डिफरेंस के पर डिपेंडेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करता है चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो में था हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी प्रोटॉन का फ्लो, तो रिवर्स पढ़िए तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। यानी कि चार्ज रियल में थ्योरी के हिसाब से तो हम पॉजिटिव चार्ज फ्लो कराते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो रियल में फ्लो नहीं करते, तो जो थ्योरी हम बना रहे हैं वो थ्योरी ये है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये किसके लिए बना रहा है, प्रोटॉन के लिए बना रहा है, लेकिन प्रोटॉन तो चलता ही नहीं है, तो रूल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अरे बड़ी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्यों लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलते हैं? भैया जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उधर से ही तो हटेगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मोर निगेटिव हो जाएगा, अब मोर निगेटिव का मतलब क्या, लेस पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की ओर चलते हैं, क्योंकि लो पोटेंशियल का मतलब होता है हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रूल बताया गया चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और जब बुक पढ़ रहे हैं या न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। भाई इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होगा वहां से हटेगा, तो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होगा वो तो लो पोटेंशियल हो जाएगा ना, तो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, लेकिन रियल में तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के लिए वर्डिंग लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एक्सेस से डिफिशियंट की तरफ होगा। इसीलिए रूल में, लैंग्वेज में और रूल में थोड़ा रिवर्स या कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आ जाइए, रिडिस्ट्रीब्यूशन में दो फार्मूला आपको मिला, एक कॉमन पोटेंशियल का मिला और एक आपको मिला कि आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर वन पर या कंडक्टर टू पे कितना चार्ज रह जाएगा या हो जाएगा। दूसरा फार्मूला हम लोग निकालते हैं, तीसरा फार्मूला निकालते हैं, लॉस इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं कहता 50 वाट का चार्ज है, मतलब हमने पर सेकेंड काउंट किया और हमने देखा कि 50 वाट का पावर है टोटल चार्ज का, लेकिन जब लेंगे वापस तो देखेंगे कि हमें 50 वाट कभी नहीं मिलेगा, हमें 45 वाट 42 वाट, मतलब देयर इज लॉस। जैसे आप कहते हैं ना कि इन्वर्टर चार्ज हो गया है, कुछ चार घंटा चलना चाहिए, लेकिन वो चलेगा नहीं चार घंटा, वो पहले ही बोल जाएगा। या मोबाइल है, आप अगर कैलकुलेट करें कि 8 घंटा चलना चाहिए तो 8 घंटा नहीं चलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी का लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? भाई जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इस प्रोसेस में रेजिस्टेंस अपीयर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस के अपीयर होने से हीट इन्वॉल्व हो जाएगी, हीट इन्वॉल्व होने से एटॉमिक वाइब्रेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। वायर्स में एटम वाइब्रेट कर रहे हैं और बीच बीच में से इलेक्ट्रॉन को निकल कर जाना है, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा एटॉमिक वाइब्रेशन मींस हीट बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ते इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे, स्लो होते ही अमाउंट ऑफ पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम किसी चार्ज बॉडी से चार्ज वापस लेते हैं तो हमें उतना पावर नहीं मिलता, इतनी एनर्जी नहीं मिलती जिस एनर्जी पर हमने चार्ज किया। तो यहाँ आपसे कहा जाता है प्रूव दैट देयर इज लॉस इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो अब आपको प्रूव करना होता है कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ, यानी हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं लॉस इन द एनर्जी इन द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लॉस ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसे समझिए ना कि आपके पास ये कंडक्टर वन हो गया, ये कंडक्टर टू हो गया, कैपेसिटी हो गई, ये वी वन पोटेंशियल पर मेंटेन है, ये वी टू पोटेंशियल पर मेंटेन है, इसकी चार्ज बियरिंग स्ट्रेंथ क्यू वन है, इसकी चार्ज बियरिंग स्ट्रेंथ क्यू टू है, तो इसकी एनर्जी आप लिख सकते हैं हाफ पी वन वी वन स्क्वायर, हाफ पी वन वी वन स्क्वायर, इसकी एनर्जी लिख सकते हैं आप यू इज इक्वल टू हाफ
C2V2 square. तो बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन इसके पास और इसके पास मिला के टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दें, यानी एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिसके पास एनर्जी थी और जिसको देना था, जोड़ बटोर के टोटल निकाला है, तो आपको पता चल जाएगा एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन जो जाएगा हाफ C1V1 square plus half C2V2 square. अभी दोनों को कांटेक्ट कर दीजिए, हो गया चार्ज का बंटवारा। जब चार्ज का बंटवारा हो जाएगा तो उस केस में आपको पता है कि कैपेसिटी तो C1 C2 ही रहेगी, फाइनल पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो गया होगा, तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा और चार्ज इस पे चेंज होके Q1 dash हो गया होगा, इस पे चेंज होके Q2 dash हो गया होगा। वैसे चार्ज की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ज को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी अगर एनर्जी लिखे तो कितना, इसके पास हो जाएगा हाफ C1V2 square, इसके पास हो जाएगा हाफ C2V2 square, मीन्स एनर्जी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखे तो हो जाएगा एनर्जी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन इज द हाफ C1V2 square प्लस हाफ C2V2 square. अगर हम इतने में से इतना माइनस कर दें, जीरो हो जाए, तो मतलब प्रूव हो जाएगा कि बिफोर और आफ्टर बरोबर है, मतलब जितना था उतना बंटवारा हुआ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो पॉजिटिव बचता है, पॉजिटिव बचने का मतलब क्या, ये ग्रेटर है ये लेसर है, मतलब लॉस प्रूव हो जाएगा। मतलब अगर हमें लॉस निकालना है, लॉस इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस कर देना चाहिए। अच्छा, दूसरे वाले को जरा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाफ और वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, तो कैसा दिखेगा, हाफ और वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, हाफ और वी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो दिखेगा C1 plus C2, और वी वाज द कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल तो आपको निकाल के बताया थे कितना आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल यहां रख दीजिए था C1 plus C2 upon C1 plus C2, तो कॉमन पोटेंशियल रख दीजिए यहाँ पे, हाफ ये हो जाएगा C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा C1 plus C2 का स्क्वायर। ये हमने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रख दी और ये यहाँ पर है C1 plus C2, ये C1 plus C2 इसकी पावर ले जाएगा, यानी एनर्जी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो इक्वेशन था, हाफ C1V square plus half C2V square, वो ऐसा दिखेगा आपको, हाफ C1V1 plus C2V2 whole square upon C1 plus C2। अब लॉस के लिए आपको क्या करना है, लॉस के लिए आपको यही करना है कि आप पहले कितनी एनर्जी थी और अभी कितनी एनर्जी का डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, अगर जीरो आ जाएगा तो कह दीजिएगा नो लॉस, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो कंफर्म लॉस हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, तो लॉस का मतलब हो जाएगा पहले कितना था, तो हाफ C1V1 square प्लस हाफ C2V2 square, थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, लॉस ड्यूरिंग द रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हाफ C1V1 square प्लस हाफ C2V2 square, ये हो गया बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन माइनस आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन 1/2 C1V1 plus C2V2 whole square upon C1 plus C2। ठीक है, इसमें से देखिए कुछ कॉमन होगा, इसमें से कॉमन होगा